चलिए गाइस एक जिंदगी की पहेली पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर तीन लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ दो लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइज ऐसे अमेजिंग प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।